गुड आफ्टरनून कोलकाता 91.9 फ्रेंड्स एफएम। मेरा नाम है अनिमेश और मैं आप सभी के लिए इस वक्त बिल्कुल लाइव रिपोर्ट कर रहा हूँ डगआउट से, जहाँ पर आज पूरी की पूरी स्टार कास्ट आई हुई है। मूवी का नाम है आइडेंटिटी कार्ड। जी हाँ, मैं बातें कर रहा हूँ नन अदर देन वेरी टैलेंटेड टिया वाजपेयी की, फुरकान साथ ही साथ प्रशांत, ये तीनों हमारे साथ इस वक्त है फ्रेंड्स एफएम पे। इन तीनों की बातें होने वाली है और साथ ही साथ थोड़ी ही देर में ये सभी हमारे स्टूडियो में जाने वाले हैं। और भी स्टार कास्ट हैं, और भी लोग हैं इस मूवी के साथ जो जुड़े हुए हैं, सबके साथ हमारी आज स्टूडियो में असली मस्ती होने वाली है। फिर इन तीनों के साथ सबसे पहले बातें करती है। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है फ्रेंड्स एफएम कोलकाता पे। थैंक यू सो मच। कैसा लग रहा है कोलकाता शहर में है? अभी लंच कर रहे हैं, कैसा लग रहा है? जो आपकी लिखा है, जो आपकी टी शर्ट में लिखा है ना, मुझे वैसा ही लग रहा है। ओ एम जी, वो आई विल चेक दैट आउट। आर ओ एफ एल एल ओ एल ओए, आई एम लविंग इट। क्या बात है, यही तो मैं सुनना चाह रहा था। वैसे मूवी के बारे में बातें करें, आइडेंटिटी कार्ड क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? आइडेंटिटी कार्ड बहुत ही अलग सब्जेक्ट पे फिल्म है। यू नो, इससे पहले सबने कश्मीर के ऊपर बहुत ही मतलब डार्क फिल्में और बहुत ही सीरियस फिल्में देखी हैं, बट आइडेंटिटी कार्ड इज नॉट अबाउट द वॉर, बट इट इज़ द आफ्टर इफेक्ट्स ऑफ द वॉर दैट हैपेंस टू अ नॉर्मल कश्मीरी। यू नो, हम हमेशा फिल्म वॉर के ऊपर बना के जो एक्चुअली वहाँ उस शहर में रहते हैं उनके बारे में भूल जाते हैं और भड़का देते हैं लोग। हाँ, और एंड ऑनेस्टली मतलब लोगों का कश्मीर को लेके देयर इज ओनली वन परसेप्शन दैट ओ माय गॉड इट्स अ वेरी सेंसिटिव एरिया एंड वी शुड नॉट गो देयर, बट व्हेन यू गो देयर यू विल रियलाइज इट्स अ ब्यूटीफुल प्लेस एंड द कश्मीर इज अ वंडरफुल पीपल। ओके, फ्रेंड्स एफएम पे बातें हो रही है, आप तीन फ्रेंड्स के बारे में जानना चाहूंगा। शूटिंग चल रही थी, शूटिंग के दौरान कुछ कुछ चीजें हमारे साथ शेयर करना चाहेंगे। शूटिंग के दौरान द बेस्ट थिंग दैट आई एंजॉयड इन कश्मीर, फ्रेंड्स हंस रहे हैं मेरे फ्रेंड्स नो दे इट्स जस्ट यू नो दे फुरकान, जानना चाहूंगा आप क्या कहना चाहोगे, अपने रोल के बारे में कुछ बताना चाहेंगे। जी, मैं फुरकान मर्चेंट हूँ, पहले तो ये बता दो मैं बोल रहा हूँ, एंड आई एम प्लेइंग अजय कुमार। बहुत ही अच्छा सीधा कैरेक्टर है, बेचारा लड़की के चक्कर में फंस जाता है एज यूजुअल, एंड सेंसिबल गाय, हैज हिज हेड ऑन हिज शोल्डर्स, एंड सिंपल सिंसियर कश्मीरी है तो जानता है हालात कैसे, कैसे उससे जूझना, कैसे लड़ना, कैसे निकलना। तो बस कैरेक्टर उसमें है, और साथ में ये टिया का जो कैरेक्टर है नाजिया सिद्दीकी, उसके साथ लग जाता है उसकी हेल्प करने में और बेचारा खुद भी खड्डे में गिर जाता है। Okay, ऐसा कुछ होता है और भी ज्यादा हम जानेंगे इस मूवी के बारे में। प्रशांत भी हमारे साथ है, आपके रोल के बारे में कुछ बताना चाहेंगे किरदार के बारे में? आई प्लेड एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट जूनियर आर्टिस्ट इन द फिल्म। जूनियर से मतलब दिस एक्टर्स आर वेरी सीनियर टू मी इन द फिल्म, सौरभ शुक्ला, विपिन शर्मा, रघुवीर यादव, ब्रजेंद्र काला, एंड इट्स द रोल ऑफ अ पुलिस ऑफिसर। I am the youngest police officer in the film, but senior in position to two other cops, Saurabh Shukla and Brijendra Kala. It's a wonderful film. Happy to be here in Kolkata. Okay, जानना चाहूँगा internationally बहुत सारे awards ये movie जीत चुकी है, कुछ कहना चाहेंगे इसके बारे में? कुछ बताना चाहेंगे? हाँ, अभी हाल ही में एक बहुत बड़ा फिल्म, बहुत बड़ा नहीं मतलब एक काफी नया, लेकिन एक बड़े पैमाने पे किया फिल्म फेस्टिवल सैन फ्रांसिस्को में किया गया, जहाँ पे फिल्म को बेस्ट फीचर फिल्म और बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला। तो हम लोग बहुत खुश हैं कि हमारी फिल्म को इंटरनेशनल टेरिटरी पे रिकग्निशन मिल रहा है। यूके भी जा चुकी है, जर्मनी भी जा चुकी है, दुबई, साउथ अफ्रीका भी जा चुकी है, ऑल इंडिया ये लोग सिटी टूर कर रहे हैं। तो आइडेंटिटी कार्ड द फिल्म हैज क्रिएटेड क्वाइट एन आइडेंटिटी अक्रॉस द वर्ल्ड। ओके, यूएसपी क्या होगी मूवी की अगर कुछ बताना चाहें? यूएस में यूएसपी ऑफ द फिल्म वुड बी दैट इट्स एन एक्सट्रीमली ह्यूमरस फिल्म विद ए मैसेज मेड ऑन एन एक्सट्रीमली लो बजट दैट हैज फुल एंटरटेनमेंट वैल्यू। ओके, या बिसाइड्स द अवार्ड, कोलकाता की क्या चीज आपको सबसे ज्यादा अच्छी लगी? मेरी वाइफ कोलकाता की है, वो मुझे बहुत अच्छी लगती है, और अभी फिलहाल यहाँ आए हुए मुझे सिर्फ 6 घंटे हुए, तो आप लोग क्या खिलाएंगे, क्या पिलाएंगे, कहाँ? अभी तक आप लोगों ने क्या क्या चीजें खाई, क्या क्या चीजें पसंद आई, क्या क्या? मुझे फ्लोरीज पे जाना है, आप मुझे फ्लोरीज पे लेके जाएंगे? बिल्कुल, मैं आपको लेके जाऊंगा। हम पहले फ्रेंड्स एफएम के स्टूडियो जाएंगे, वहां से सीधा निकल के हम लोग फ्लोरीज में जाने वाले हैं। वैसे जानना चाहूंगा कि आपसे एक बार फिर से बातें होगी, आपको हमने भूत वाली मूवीज में ज्यादा देखा है, क्या आप भूतों से प्यार है आपको? ऑब्वियसली प्यार है, तभी तो उन फिल्मों में आप, मुझे इंसानों से ज्यादा भूतों से प्यार है। दे आर एटलीस्ट प्रेडिक्टेबल, ह्यूमंस आर वेरी अनप्रेडिक्टेबल, यू नो कब क्या करें पता नहीं, भूतों का तो एक ही काम होता है जस्ट कम एंड स्केयर यू। मूवी से क्या एक्सपेक्ट कर रही हूँ? क्रिटिकल रिकग्निशन एक्सपेक्ट कर रही हूँ, बिकॉज you know this is a very different film, you know, and our matlab sari puri team ka focus sirf ek hi tha ki this film should get the critical recognition, because aajkal what happens is chote budget pe jo filmein ban rahi hain they are doing wonders, you know, if you see Filmistan, if you see
आंखों देखी क्वीन यू नो सो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू अ क्रिटिकल रिकग्निशन और मेरे पर्सनल लेवल पे आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू पीपल रिकग्नाइजिंग मी नॉट जस्ट एज अ हीरोइन हु इज यूज्ड एज अ प्रॉप इन अ मूवी बट एन एक्टर हु इज द फेस ऑफ अ फिल्म. क्या बात है फुकन, आप क्या कहना चाहेंगे इस मूवी से, क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप? कैसी होने वाली है लोगों को, जैसे तो इंटरनेशनल लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आई है. हाँ जी, जैसे कि आप जानते हैं कि इंटरनेशनली हमें अवार्ड्स मिल गए हैं, तो मतलब ये तो हो गया कि फिल्म अच्छी बनी है, तो वो एक डाउट दिमाग से निकल जाता है. बॉक्स ऑफिस में हिट होना कितना कितना इंपॉर्टेंस रखता है आपके? एक्चुअली कमर्शियली इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर एन एक्टर, चूँकि किसी ने हमारे को यूँ समझ लीजिए हायर किया, हम पर पैसा लगाया, तो उनका पैसा तो रिटर्न आना चाहिए. तो क्रिटिकल अक्लेम जो मेन हमारा मुद्दा था वो हो गया फिल्म का. ऑल ओवर द वर्ल्ड हमारी लंदन, जर्मनी, कनाडा सब जगह स्क्रीनिंग हुई एंड एवरीवेयर वी हैव गॉट अप्रिसिएशन. तो एक पार्ट जो था, हाफ ऑफ द बैटल इज वन, अब रिमेनिंग हाफ जो है बॉक्स ऑफिस की. सो वी आर होपिंग कि इफ द क्रिटिक्स आर सेइंग इट्स नाइस, पीपल विल आल्सो रिसीव इट वेल. बिल्कुल सही कहा. कोलकाता में करीब 40 लाख लोग आपकी आवाज़ इस वक्त सुन रहे हैं, उन सभी से कुछ कहना चाहेंगे जाते जाते? यू स्टे इन अ लवली सिटी, यू ऑल आर लवली पीपल, प्लीज गो एंड वॉच दिस मूवी अबाउट अनदर लवली प्लेस, अनदर लवली पीपल हु आर आर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स. Please watch it for the Kashmiris and for Kashmir. याते याते क्या कहेंगे प्रशांत? मैं ये कहना चाहूंगा कि हमारे साथ एक दिग्गज बैठे हैं जिनसे आपने अभी तक बात नहीं की है, मिस्टर से उनसे मैंने वो छुपा के रखा था क्योंकि हम जाना चाह रहे हैं कि स्टूडियो में जाकर उनके साथ हम ढेर सारी बातें करेंगे. अच्छा, तो मैं तो ये कहना चाहूंगा कि जैसा फुरकान ने कहा कि इट्स एन एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल फिल्म विद ह्यूमर, विद अ मैसेज, मेड इन अ ब्यूटीफुल प्लेस, विद फैंटास्टिक एक्टर्स, एंड आई होप The city of Kolkata goes out and watches Identity Card. बिल्कुल, Identity Card के बारे में और भी ढेर सारी बातें होने वाली है सिर्फ और सिर्फ 91.9 Friends FM पे. हम चाहेंगे कि आप सब फ्रेंड्स एक साथ कहें अड्डा गान टोटल फन, ये हमारा टैग लाइन है. जाते जाते अड्डा गान, अड्डा मीन से कोलकाता का अड्डा जो है, जो बैठ के लोग बातें करते हैं वो काफी ज्यादा फेमस है. अड्डा गान टोटल फन 91.9, एक साथ जाते जाते 91.9 Friends FM. अड्डा गान टोटल फन, सिर्फ एक ही ने कहा. अच्छा, स्टूडियो में आ जाओ, स्टूडियो में आ जाओ, एक साथ मिलकर करेंगे. दैट्स ऑल फ्रॉम हियर, बैक टू स्टूडियो.